चार्ट पैटर्न के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसकी लेंथ 46 मिनट कुछ सेकंड की है, जो कि बहुत लंबी है। हर किसी के लिए इतनी बड़ी वीडियो देखना संभव नहीं होता है, क्योंकि किसी किसी एरिया में क्या होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो उसके वजह से ये वीडियो बहुत लंबी है। तो इस वीडियो को बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को 5 पार्टों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और इसके बाद आपको डे वाइज थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पर चार्ट पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मतलब जो हमारा हेड एंड शोल्डर है, इसका नाम हेड एंड शोल्डर क्यों रखा है, देखिए इसका फॉर्मेशन ही कुछ इस तरह से होता है कि एकदम हेड, देखिए जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर होता है इस तरह से बनता है, फिर हमारा एक हेड बनता है, फिर यहाँ पर क्या होता है एक सेकंड शोल्डर बनता है। मतलब कि पूरा जैसे हमारा, देखिए ये इधर वाला शोल्डर है राइट शोल्डर, और ये हमारा जो लेफ्ट शोल्डर है वो कुछ इस तरह से दिखता है कि जैसे कि हमारे बीच में हेड है और राइट और लेफ्ट में हमारा क्या है, शोल्डर है। अब इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप समझ लीजिए मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से मार्केट अप गया, यहाँ से मार्केट क्या गया, अप गया। फिर इस जगह पर मार्केट ने क्या लिया, अपना क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया कुछ इस जगह पर, और यहाँ से क्या हुआ, सेलर सेक्टिव हुए, सेलर सेक्टिव हुए। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसको फिर नीचे लेके आया और यहाँ पर कुछ सपोर्ट लिया इस जगह पर, इस जगह पर अपना सपोर्ट लिया, मतलब कि नेकलाइन भी आप इसको कह सकते हो। फिर क्या होगा, जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पर क्या हुए, बायर्स एक्टिव हुए, एक्टिव हुए, तो यहाँ से मार्केट क्या गया, इतना ऊपर गया। फिर जो हमारी प्रीवियस यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था उसको ब्रेक करके कहाँ चला गया, कुछ इस जगह पर चला गया, इस जगह पर, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। ये हमारे क्या ले लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। फिर यहाँ से नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पर क्या है, क्या एक्टिव हो गए सेलर्स, यहाँ पर एक्टिव हो गए, और जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा उनका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, और कुछ इस जगह पर मार्केट आया। और जहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पर किसी ने क्या क्या किया होगा, जो अपना प्रॉफिट था वो बुकिंग की होगी, और फिर यहाँ से मार्केट क्या गया, अप गया। अब देखिए, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो हमारा मतलब आप है शोल्डर भी कह सकते, जो हमारा इधर वाला शोल्डर था उसका, जो जहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट अप गया था, कुछ इस जगह से मार्केट अप गया था, और यहाँ पर मार्केट ने क्या लिया था, रेजिस्टेंस दिया था। अब सेम जो ये हमारा ये वाला शोल्डर है, कुछ इस उसी जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी जगह पर इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि वो उसी जगह पर रेजिस्टेंस ले, वो आप यहाँ कहीं भी रेजिस्टेंस ले सकता था, लेकिन देखिए जो हमारा हेड है जिसको हम हेड ही बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर जो हमारा ये वाला शोल्डर होगा ये क्लोज नहीं होना चाहिए। इसके यहाँ कहीं अगर यहाँ से अगर नीचे जा रहा है तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा जो हेड है इसके ऊपर चला जाएगा, ये होना चाहिए हेड के नीचे, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको ट्रेड किस तरह से करना पड़ता है। अब जो ये हमारा हेड एंड शोल्डर है ये आपको सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस मार्केट क्या चल रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, फिर वहां से मार्केट का क्या चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब देखिए, आपको इस पर ट्रेड किस तरह से लेना है फ्रेंड्स, समझ लीजिए, ये जो इस जगह पर मार्केट ने जो अपना नेक लाइन था, जो हमारा दूसरा शोल्डर होगा उसको बनाने के बाद मार्केट वापस नेक लाइन पे आया, फिर इसका नेक लाइन का क्या कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन दे दिया तो कुछ लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे, स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, जो उसकी नेक लाइन है। अब देखिए, अब मार्केट क्या करेगा, रिटेस्ट करने के लिए जाएगा और उनका जो असल था वो हिट कर देगा, और वहां पर वो अपनी पोजिशन में एग्जिट मारेंगे, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब देखिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ट्रेड तब करना है जब आप रिटेस्ट के वेट कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। अगर रिटेस्ट नहीं करता है कोई बात नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड छूटेगा, लेकिन अगर उसमें आप बिना रिटेस्ट के ट्रेड करते हो तो आपका काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर आपको लॉस से बचना है तो रिटेस्ट का वेट करो, उसके बाद एंट्री मारो, ठीक है, तब आपको जो चांसेस होते हैं काफी अच्छे होते हैं प्रॉफिट करने के। आई होप आपको जो मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझाया शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, अब किस तरह से हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए, और क्या इसमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी रहते हैं, आइए समझते हैं। आई होप आपने जो मैंने हेड एंड शोल्डर आपको क्लियर ढंग से समझाया वो आपने समझ लिया होगा, और अब मैं आपको समझाता हूँ जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। देखिए, ये एकदम सेम है जैसे हमारा हेड एंड शोल्डर है, वो बस देखिए जो हमारा हेड एंड शोल्डर है उसको उल्टा कर रखा है, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जो हमारा हेड एंड शोल्डर है, जो हमारा जो हेड एंड शोल्डर है वो हमें सिग्नल देता है सेल साइड का,
लेकिन जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है वो हमें सिग्नल देता है अपसाइड का। और फ्रेंड्स मुझे मतलब शॉपिंग करने का मुझे ज़्यादा शौक है। देखिए मैं अमेजोन वगैरह या फिर मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ कभी कभी, जो मुझे पसंद आता है मैं ढूंढता रहता हूँ, जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है मतलब चीपेस्ट मतलब कम बजट में मुझे जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है वो मैं मंगा लेता हूँ। देखिए मैं चीज़ें वो मंगाता हूँ जिसकी प्राइस तो कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब प्राइस का वैल्यू ज़्यादा वाला प्रोडक्ट मैं ज़्यादा मंगाता हूँ, लेकिन मंगाता वो हूँ जो मुझे ट्रेंडिंग में काम आए या फिर मतलब काफ़ी अच्छे मतलब उसमें मुझे फ़ायदे हों वो मैं अपने लिए चीज़ें मंगाता हूँ। और जो जो मैंने चीज़ें मंगा रखी है या फिर जो मैं मंगाने वाला हूँ उसकी सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं और काफ़ी कम बजट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और बजट कम है लेकिन उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मंगाना चाहते हैं तो भी आप वहाँ से मंगा सकते हैं, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मेरी लिंक से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं फिर अपने वापस टॉपिक पर। अब देखिए जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है फ्रेंड्स समझ लीजिए कि मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड में, मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड में, फिर क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा था नीचे गिरा 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 मार्केट, फिर इस जगह पर मार्केट ने क्या किया सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर जब आपको पता ही होगा जब मार्केट सपोर्ट लेता है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं जो बायर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और फिर इसको कुछ यहाँ तक लेके गए, और यहाँ पर फिर मार्केट ने क्या क्या लिया रेजिस्टेंस लिया, कुछ इस जगह पर मार्केट ने लिया रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद आपको पता होगा जब मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो फिर वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए, फिर सेलर्स यहाँ तक लिखे गए और जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था उसको ब्रेक करते हुए कुछ यहाँ तक लिखे गए, फिर यहाँ पर क्या हुआ मार्केट ने लिया सपोर्ट कुछ इस जगह पर, यहाँ पर हुए बायर्स एक्टिव, फिर यहाँ से बायर्स को लिखे गए ऊपर, देखिए यहाँ तक लिखे गए, बस जब बायर्स को ऊपर लेके गए फिर वहां कहां पर इसने अपना रेजिस्टेंस लिया जहां पर उसने क्या लिया था प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था उसी जगह पर इसने क्या कर दिया वापस रेजिस्टेंस लिया, और यहां से क्या हुआ सेलर्स एक्टिव हुए और फिर नीचे आ गया। अब जो इसका कुछ ये वाला सपोर्ट था जो उसका ये वाला सपोर्ट था उसी जगह पर उसने क्या कर दिया अपना दूसरा सपोर्ट लिया, और यहां से क्या हुआ बायर्स एक्टिव हुए फिर यहां तक लिखे गए। अब जो उसकी नेक लाइन है जहां पर इसने ऑलरेडी 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया है, देखिए 1 बार और 2 बार और 3री बार अब ले लिया है, वो हमारी क्यों है नेक लाइन है। अब जो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हम एक कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है आपको जैसी ब्रेक होगा वैसी तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, जब मार्केट ब्रेकआउट दे फिर रिटेस्ट करे उसके बाद आपको एंट्री करनी है, उससे क्या होगा जो आपके स्टॉप लॉस है वो जाने के चांसेस कम रहेंगे। देखिए अगर आप एकदम अगर घुस जाओगे ब्रेकआउट हुआ घुस जाओगे फिर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा नेक लाइन पर, क्योंकि ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस आप नेक लाइन का रखोगे, नेक लाइन अगर ब्रेकआउट होती है तो उसके बाद वो नेक लाइन क्या है उसके लिए बन जाएगी सपोर्ट बन जाएगी, फिर मार्केट जब रिटेस्ट करने के लिए आएगा अपने सपोर्ट पर वहां पर आपका एसएल रहेगा, एसएल हिट हो जाएगा, वहां पर अपनी पोजीशन आप एग्जिट करोगे और वहां से मार्केट चला जाएगा ऊपर, फिर आप चलते में फिर से एंट्री करोगे फिर वहां से मार्केट नीचे गिर जाएगा फिर आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। देखिए आपको रिटेस्ट का वेट करना है उसके बाद एंट्री करनी है, इसमें आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि जो आपने ट्रेड लिया है उसके सक्सेस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं, और आपके यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यही साइकोलॉजी थी हमारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट चार्ट पैटर्न वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।